Hey guys, what's up? तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, आप मैं तीन कैटेगरी में बांटता हूँ आपके हाल चाल को। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, ज़रा देखें। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं? आप अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं? ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आज तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ज़रा चैट को खोल देते हैं। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा कि चलो, अमेजिंग यार, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक जनरिक मुद्दे पर बात की जाए, है ना, जिसे मैंने भी फेस किया अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, समबडी इज राइटिंग की 300K। यस, इंस्टाग्राम पे मेरे 3 लाख फॉलोवर्स मेरे कंप्लीट हुए हैं आज। 3 लाख फॉलोवर्स, यस, इट्स रियली अ बिग डील एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड आई रियली लाइक इट। जिस तरह से आप लोग प्यार देते हो ना, मन करता है कि मैं वो मेहनत करूँ, करता जाऊँ। हालांकि थकावट फील होती है बहुत ज़्यादा, ऐसा फील होता है कि यार बहुत 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 बार तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार लाइफ तो एक ही है, तो क्यों ना इसे अच्छे काम में यूटिलाइज़ किया जाए, देखा जाएगा जो होगा। सो थैंक यू सो मच, आज हमने इंस्टाग्राम पे 300K कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो मुद्दा है ना, वो मुझसे भी रिलेट करता है। मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो। सो इसी के बारे में आज मैंने सोचा चलो बात करते हैं, क्योंकि है ना, सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी नहीं कह रहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब मैं भी कभी स्टूडेंट था। सो सेम चीज़ मैंने भी फेस की है। आप लोग स्टूडेंट हो और मैं भी कभी स्टूडेंट था, मुझे भी पैसों के क्रंच थे, मेरी फैमिली को रिच फैमिली नहीं है, सो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे अर्न करना चाहिए। मैंने क्या क्या किया मैं वो भी बताऊंगा, और आप क्या कर सकते हो इस सिनेरियो में आपको मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे टाइम और अब के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान जब खुद को बदलना नहीं जानता तो वो पीछे रह जाता है। मैंने अपने आप को बहुत बदला, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि समय के साथ नहीं बदलो। मैंने समय के साथ टेक्नोलॉजी को समझा, सीखा, हमेशा लर्नेबल रहा। और जब आप लर्न करते रहते हो ना, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती हैं, तो फिर आप अर्न करना भी सीख जाते हो। ठीक है, जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना जानता है, याद रखना ये, आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है, समझ में आ गया? सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। तो जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना भी जानता है। तो मैं आपको मेरी बात बताऊंगा कि मैंने कमाना कब से शुरू किया, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज के सिनेरियो में आप कैसे कमा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में और उस टाइम में काफी फर्क है, ऑब्वियसली, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज है द नॉर्मल टॉक, जिसमें हम लोग आपके ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या हम लोग स्टडी के साथ साथ कमा सकते हैं, कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए तो किन कंडीशंस में कमाना चाहिए, कमाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अडॉप्ट करना, चीजों को अडॉप्ट करना। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बाय द वे, आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में राज करता था, राज, नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था, मोनोपोली थी उसकी, सबसे पहले मोबाइल, सबसे फेमस मोबाइल वी कैन से इंडस्ट्री के अंदर नोकिया ने बनाए थे। और आज नोकिया की ये हालत है कि नोकिया के मोबाइल को लोग खरीदना नहीं चाहते, मतलब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गई है। कारण जानते हैं आज किन मोबाइल्स को आप लोग खरीदते हो? एप्पल को, सैमसंग को, सैमसंग के मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, या फिर मी, शियोमी, वन प्लस, इन मोबाइल्स को ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? आपने नोकिया के मोबाइल को क्यों खरीदना बंद कर दिया? कारण क्या था? अडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना, अपने आप को समय के हिसाब से ढालना। जिसने अपने आप को समय के हिसाब से ढालना बंद कर दिया, समय ने उसको साइड में कर दिया। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी, लर्न करो, अडॉप्ट करो, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालो, वो चीज आपको कमा के देगी। और अगर आप रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरे को तो इतना ही करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो।
तो आप नोकिया मत बनो, आप एप्पल बनो, आप सैमसंग बनो। समझ में आता है? ये बहुत जरूरी है। इनोवेशन अडॉप्ट करना, सिचुएशन, फ्यूचर को देखना, भविष्य में क्या रखा है, मैं कैसे कमा सकता हूं, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं। एग्जाम्पल ले लो ना, कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल लो, भुवन बाम का एग्जाम्पल लो, मैं मेरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभार पूछ रहा हूं लक क्या होता है। लक इज एक्चुअली आपकी, आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी है और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ थी? कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी वॉज द फर्स्ट पर्सन, इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी। तब लोग एक्सेप्ट ही करते थे, जब लोग रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल करेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी, जब इसका सिनेरियो आया तो भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, मतलब वो जो जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जाम्पल ले लो, व्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है, क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से व्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है। आ रहे हैं समझ में? आशीष चंचलानी का एग्जाम्पल लो, अमित बड़ारा का एग्जाम्पल लो, वो अपने अपने जोनर में ये जो मल्टीपल टास्किंग करके या फिर फनी वीडियोस बना के, इनोवेटिव वीडियोस बना के फेमस हो गए। टीवीएफ का एग्जाम्पल लो, यूट्यूब जब शुरू में आया था, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, जब यूट्यूब शुरू में आया था तो यूट्यूब बेसिकली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। यूट्यूब से जब हम लोग यूट्यूब की जर्नी पढ़ने गए तो पता लगा 2011 में जब एंटर हुए थे इंडिया में, और यूट्यूब जब लोगों को बोलता था, क्रिएटर्स को बोलता था जो कि सिर्फ फिल्में बनाते थे और छोटे छोटे टीवी में इधर उधर अपनी सीरीज और ऐसा लॉन्च करते थे, तो उनको जब कहते था यूट्यूब वाला कि आप हमारे यहाँ पे फ्री में कॉन्टेंट डालो, तो कोई डालता ही नहीं था, बोले आप फेमस हो जाओ, कोई नहीं डालता था। धीरे धीरे इतना क्रेज बढ़ गया और आज यूट्यूब देख लो। 2006 में, आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, 2006 में गूगल ने यूट्यूब को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, और आप बिलीव करोगे कि 2021 के फरवरी 2020 में, ऐसा डेटा निकल के आ रहा है, 2020 और 21, मतलब इसी एक दो महीने के अंदर ही उसने 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ दो महीने में कमाए हैं। मतलब एक कोरोना काल में उसने कितना पैसा कमाया, अनबिलीवेबल। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, और मैं मेरी बात कर लेता हूं लास्ट में, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को सेट होगा। मुझे पहले से ही समझ में आ गया था कि शॉर्ट वीडियो, माइक्रो वीडियो का मौसम आने वाला है, वेदर आने वाला है, और मैं तैयार भी था, मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। और आपको पता है कि ए2 मोटिवेशन शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप पे चल रहा है, इंडिया में नंबर वन चैनल है हमारा। अभी कितने हो चुके हैं? 52 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब ये क्या मतलब है इसका? ये कुछ कहता है आपसे? ये कहता है अडॉप्टेशन, फ्यूचर को देखना, और फ्यूचर को देख के अपने आप को तैयार करना ताकि आप पैसा कमा सको। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, और मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर आप सोशल ब्लेड पे जाके ए2 मोटिवेशन सर्च करोगे तो हम लोग पूरे इंडिया में कितने सारे यूट्यूब चैनल है, 119वें नंबर पर आता हूं मैं, शायद बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर से बहुत आगे हूं। चाहे आप भुवन बाम का एग्जाम्पल ले लो, कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल ले लो, टॉप 150 यूट्यूब चैनल्स मेरा नाम आता है, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, टॉप 150 यूट्यूब चैनल्स ऑफ इंडिया, उसमें आपको ए2 मोटिवेशन 119वें नंबर पर मिलेगा। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाया जाता है? और कई लोग की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप कहते हैं हमारे प्यारे दुलारे बच्चे इतना टेंशन कैसे पालेगा, पहले पढ़ ले, अकेला पढ़ने पे ध्यान दे, कमाई तो होती रहेगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, एक लड़का बहुत ब्लॉगिंग में फेमस हो रहा है, और वो लड़का इतनी छोटी सी उम्र में ब्लॉगिंग कर रहा है। मैं आपको एक बच्चे से भी मिलवाऊंगा, एक छोटा सा बच्चा है जो कि करोड़ों रुपए कमाता है, सिर्फ छोटा सा बच्चा है। आपको मैं दिखाऊं आपका नाम क्या है उसका, एक सेकंड रुको। वो क्या करता है पता है? वो सिर्फ जो खिलौने नहीं होते छोटे बच्चों के खिलौने, उनका रिव्यू करता है और करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए। मेरे मोबाइल में उसकी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको उसका नाम बताता हूं। एंड मैं जब देखता तो मैं देखता ही रह गया, मतलब छोटे छोटे से बच्चे इतना पैसा कमा रहे हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। सो, इस तरह से ना मैं आपको नाम बताता हूँ और उसका चैनल का नाम भी बताता हूँ, आप चाहे तो उसको देख लेना, आपको काम आएगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था और मैं जल्दी उसकी स्टोरी भी करूँगा
और मुझे बहुत ही बहुत बढ़िया लगा था। तो मतलब क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, कमा के क्या करोगे, या आप आपके मम्मी पापा कहते हो मेरा राज दुलारा, मेरा प्यारा, है ना, मेरी मम्मी का दुलारा, मेरी परी, ऐसा बहुत सारे माँ बाप करते रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई शांति, आज के छोटे छोटे बच्चे पैसा कमा रहे हैं और वो करोड़पति क्या इतने बड़े बड़े इतना ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो मेरे स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे हैं, मेरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट गायब हो गए, ये कैसे हो गया आजकल, मुझे कोई पता नहीं लगता, इमेजेस इंस्टाग्राम इनशॉट पिक्चर्स कहाँ है यार, व्हाट द हेल, वेयर आर माय स्क्रीनशॉट्स, इनशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स कहाँ चले गए, इन कोलाज, बाप रे, ये रहा स्क्रीनशॉट, मिल गया, तो आपको दिखाता हूँ, उस बच्चे का नाम बताता हूँ आपको, आप हैरान रह जाओगे, छोटा सा बच्चा है और उसके YouTube चैनल को सर्च करो, वो करोड़ों रुपया कमाता है। तो जब वो छोटे छोटे बच्चे कमा सकते हैं, उसे खिलौना का रिव्यू करता है, उसका चैनल देखे मैं हैरान रह गया, मैं तो खुद ही, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि वो एक साल के अंदर कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपये अर्न करता है और छोटा सा बच्चा है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है, मुझे एक मिनट दे दो, अचानक से उसकी बात उठ गई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाओ कि भैया ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ कोई कमा नहीं सकता है, सब फर्जी बातें हैं। आज के इंडियन माँ बाप ना थोड़ा डराते हैं अपने बच्चों को, बट ऐसा कुछ है नहीं, आप पढ़ने के साथ साथ सब कुछ कर सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट आने वाला वो बच्चा कहाँ गया, मेरा प्यारा बच्चा, आप जानना चाहते हो, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन कौन कौन जानना चाहते हो उस बच्चे के बारे में, ये रहा, मिल गया, उसका नाम है रियान काजी, 12 करोड़ रुपए महीना कमाता है, सुन लो, अब आपको मैं बताता हूँ, रियान काजी, और मैं इसका ना एक बार रुको, मैं आपको एक मिनट में शेयर भी कर देता हूँ, नाम है उसका रियान काजी, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चा जो है रियान काजी, छोटा सा बच्चा है, क्या इसको पढ़ाई नहीं करनी, इसको अपना बचपन नहीं बिताना, लेकिन इसने क्या किया, अपने जो बचपन में वो जी रहा है ना, वो उसमें खिलौने खेलता होगा तो खिलौने का रिव्यू करता है, कैन यू इमेजिन। सो ये सब बोलना छोड़ दो कि भाई कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है, आप लोगों पे डिपेंड करता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बाय द वे जो देखना चाहते हैं जब देखिए, चलो तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वॉचिंग राइट नाउ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वन सेकेंड होल्ड ऑन, ओके, ये रहा, मिल गया, ये रहा, ये देखिए, तो मैंने आपके सामने खोल दिया है, क्या लिखा हुआ है, ये 12 करोड़ महीना कमाता है 8 साल का बच्चा रियान काजी। अब आप बताओ कि आप कितने साल के हो, ये 8 साल का बच्चा है, कैसे कमाता है रियान काजी, 8 साल की उम्र में 155 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। ओह माय गॉड, इतना तो मैं भी नहीं कमाता। क्या है लिखा है, अपने YouTube चैनल से पूरी दुनिया के बच्चे इसके खिलौने के वीडियो देखते, जब ये 4 साल का था तब से इसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए और आज भी बनाता है, 8 साल का बच्चा खिलौना का रिव्यू करता है और करोड़पति यूट्यूबर है, करोड़पति यूट्यूबर है ये रियान काजी। चलो ढूंढे इसको, ढूंढ लेते हैं एक बार रियान काजी, है ना, ढूंढने में क्या जाता है। अब आप अपने माँ बाप को भी साथ में बिठा लेना एक बार, आज अपने माँ बाप को साथ में बिठाना, मॉम डैड को, ये रहा, ये इसका चैनल है, आप सब्सक्राइबर जानते हो कितने हैं इसके, ये रियान वर्ड इसका नाम है 28 मिलियन, 28 मिलियन, कैरी मिनाटी से थोड़ा सा ही पीछे है ये, 20 एक बच्चा है ये, कैरी मिनाटी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कोई 30 मिलियन होंगे, 30-31 मिलियन, ये 8 साल का बच्चा है, इसके सब्सक्राइबर देख लो 28.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप अंदाजा लगाओ जरा, अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे, अगर आपके पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देख रहे हैं। रियान काजी का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको और बहुत लाइन लगी हुई है यूट्यूब पे पैसा कमाने वालों की, और आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आज अपने माँ बाप को साथ में बिठाओ, अपने मॉम डैड को साथ में बिठाओ, उनको बुलाओ कि पापा आ जाओ, अरविंद सर आपसे बात करना चाहते हैं, मम्मी आओ, अरविंद सर आपसे बात करना चाहते हैं। होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, हमारे क्या है ना, हम लोग है ना इंडियन कल्चर या वी कैन से कि हमारे आसपास इतनी ज़्यादा यू नो हमने व्हाट आई शुड से, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे, कंजर्वेटिव माहौल, मतलब इंडियन सोसाइटी क्या कहती है, जाओ
पूरे दिन पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो और जाओ नौकरी लोगो, समझ रहे हो? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसके ऊपर की सोच नहीं है किसी की भी। आ रहा है समझ में? इसके ऊपर की सोच नहीं है किसी की भी। सो, मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं यहां पे, थोड़ा सा लीक से हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुनिया इतना कमा रही है ऑनलाइन घर पे बैठ के, बिलीव करोगे? कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मैं कमा रहा हूं तो मुझे पता है कि लोग घर पे बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस पैसे की। सालाना 1 करोड़ रुपया इज अ नॉर्मल थिंग टू अर्न फ्रॉम ऑनलाइन, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो। मतलब 1 करोड़ कुछ नहीं है। और अगर आप, मैं कहता हूं, अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तो 6 महीने की स्ट्रगल होती है, और उसके बाद 6 महीने बाद ही आप लोग 10 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया नॉर्मली कमा सकते हो। बट आपको आपके क्राफ्ट पे बिलीव होना चाहिए, आपकी, मैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना। और मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, क्या आप लोगों को आपके सिलेक्शन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? और मैं आप लोगों से कहता हूं, देखो एक बात, थोड़ा सा मैं आज का सेशन इसलिए भी ले रहा हूं कि देखो जिंदगी में क्या होगा अपने को पता नहीं, पर हमारे ना सोर्सेज कमाने के बहुत सारे होने चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, मैं एक इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा हूं, तो मैं इंजीनियरिंग में जॉब लग सकता था। मजे की बात मैं आपको बताता हूं, आज मैं आपको बहुत खुल के बताता हूं, मैं इंजीनियरिंग में जॉब लग सकता था, मेरी जॉब लग भी चुकी थी, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मैंने एज अ टीचर अपनी जर्नी शुरू की, और आज मैं आपको बताता हूं, आज की सिचुएशन में मैं एक जगह से पैसा नहीं कमाता हूं। मैं आज की सिचुएशन में लगभग 10 जगह से अर्निंग होती है मुझे, 10 जगहों से। मेरी अगर एक जगह से अर्निंग बंद भी हो जाए तो मेरी 9 जगहें ऐसी है जो मुझे कमा के देंगी। अब आप अंदाजा लगाओ कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, वो अब मुझे जाके समझ में आ रहा है, और मेरी अर्निंग अच्छी खासी है 10 जगह से। अब जरा सोचो, अब किस, कोई अगर एक ही जगह से कमा रहा है और कल को गलती से वहां से नौकरी उसकी चली गई, तो फिर वो क्या करेगा, उसके घर वाले क्या करेंगे? इसीलिए आपके जो सोर्सेज होने चाहिए ना कमाने के, वो मल्टीपल होने चाहिए। और वो कैसे आते हैं पता है? वो आते हैं आपकी लर्नेबिलिटी से, वो आते हैं आपके पास एक्स्ट्रा क्या है करने को। कई लोग कहते हैं ठीक है यार, नीट का एग्जाम दे लिया, पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए। हाँ, डॉक्टर बन गए, कमाल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? आप अपनी हॉबी से भी कमा सकते हो, एक्स्ट्रा काम करके भी कमा सकते हो, और करना चाहिए ना। अपने माँ बाप को सपोर्ट करने में क्या जाता है? और इसके लिए माँ बाप को भी समझना चाहिए कि आज के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, वो इतना काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, वो नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, तो थोड़ा सा टेंशन है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूं जिनका अभी 2021 में एग्जाम आने वाला है। प्लीज आप मत देखो, आप, हाँ आप देख सकते हो, जैसे आपका एग्जाम हो जाए तो फिर आपको कैसे अर्न करना है उसके लिए जरूर देख सकते हो, फ्यूचरिस्टिक वे से। तो जो बच्चे 2021 का एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको तो सिर्फ अभी 3-4-5 महीने जो बचे उसमें पढ़ना ही है, आप प्लीज आप ध्यान मत दो, लेकिन आप अपने फ्यूचर के हिसाब से देख सकते हो। मान लो आपने एग्जाम दे दिया और उसके बाद आपको पता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेके आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्निंग कैसे की जाती है, तो वो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। सो वो बच्चे देख सकते हैं। स्पेशली ये किसको देखना है? ये 11th के बच्चों को देखना है। आप इतने छोटे बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे जो अभी 11th या 10th में आए हैं, और कई लोग लगते हैं हमने साइंस लिया सर, हम इतनी सारी बुक्स वगैरह और कमाने का काम भी। मैं आपको कहता हूं, एक बार आपको कमाने का चस्का लग गया ना सही तरीके से, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कमाने का चस्का लग गया, जो कि कैरी मिनाटी को लगा था, अजय नागर की स्टोरी आप पढ़ना, छोटा सा ही था जब उसने शुरू किया था, उसको सही तरीके से गेमिंग खेल के यूट्यूब के थ्रू कमाने का चस्का लग गया था, और आज वो कितना पैसा कमाता और कैरी मिनाटी की सिचुएशन में सबको पता है। हमने तो, मुझे अफसोस होता है कि बचपन में शायद हमें अगर ये बातें पता होती तो शायद हम लोग आज पता नहीं रिच ही रिच होते, मल्टी रिच होते, समझ में आता है? ऑनलाइन से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि दे आर अर्निंग सो मच। मतलब ऑनलाइन से पैसा कमाना ऑफलाइन से थोड़ा आसान है, एट द सेम टाइम पैसा बहुत ज्यादा है, और एक कन्वीनियंसी भी बहुत है, तो आज उसके बारे में बात करूंगा। तो मैंने आपको रियलिटी बताई कि क्या क्या रियलिटी थी, और एक और बात बता देता हूं, मैंने अर्निंग कब से शुरू की तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो मैं, हमारे पापा साहब, हमारे पिताश्री वो बनिया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो अर्निंग है, पैसा कमाना, मैं अपने पापा के शॉप पे बैठता था, तो मैं जब 6-7 साल का था, हमारी तो पापा श्री की तो प्लानिंग ही यही थी कि दुकान पे हमारा वारिस तैयार है, तो जब मैं 6-7 साल का था तब दुकान पे बैठता था सेल्समैन की तरह, मैंने बहुत कमा कमा के, बहुत घी के डब्बे बेचना, साबुन बेचना, ये काम किया हुआ है मैंने, तो मैं 6-7 साल का था तब से कमा रहा हूँ।
वो पापा के शॉप पे बैठ के मैं गुल्लक वो गल्ले पे बैठता था और सामान बेचा करता था। और दिवाली के टाइम पे तो घर के बाहर ही, इसी को यार कमाना ही तो बोलते हैं, घर के बाहर एक चारपाई लगाई, सामान दिवाली के पटाखे वगैरह बेच के पैसा कमाया करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखो हर चीज आजमा के देखी, मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि सिर्फ यही एक ट्रेडिशनल रूल है कि दुकान खोल लो कमा लो। मैंने देखा कि लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं, अडोप्टेबिलिटी, और मैं यहां तक पहुंच गया। और इसलिए कहता हूं कि एक्सेप्टेंस और अडोप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये सोचते हो ना कि नहीं यार कुछ ही तरीके से कमाया जा सकता है, तो फिर आप नहीं कमा सकते हो। आज मैं 10 तरीकों से कमा रहा हूं, 10 अलग अलग तरीकों से कमा रहा हूं, ठीक है। इसमें निवेश भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूं, वहां से भी कमाता हूं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहां से भी कमाता हूं। मैं आपको आज थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूं। तो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, फिर ऑनलाइन छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब चैनल्स, तो आप अंदाजा लगा लो कि मैं अपने आप को। और एक और बात, पैसे से पैसा कमाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा है, उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे खुलेंगी। लेकिन आप, सवाल ये है कि आप शुरुआत करना जरूरी है कि पैसा कमाना, अल्टीमेटली मकसद क्या है, पैसा कमाना। समझ में आता है? स्टडी भी कर रहे हो तो आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, बच्चे पांव पे खड़े हो जाएं, पैसा कमाना शुरू कर दें, सही बात है। तो बस यही मकसद है। तो आप ना जब एक बार 10 रुपया कमाओगे या एक बार 100 रुपया कमाओगे ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि मैं भी अर्न कर सकता हूं। ये फीलिंग आनी जरूरी है, आई कैन ऑल्सो अर्न। और ये फीलिंग तो मेरे को, मैं जब छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, मेरे को तभी आ गई थी। मेरे पापा ने मुझे शॉप पे बिठाया, मैंने सारा काम सीखा, पता लगा कैसे बेचते हैं, मैंने एक दिन बेच के दिखा दिया। फिर पापा जाते थे, मैं अकेला शॉप पे होता था, मैं घी साबुन ये सब बेचना शुरू कर दिया मैंने, तो मेरे में बिलीव आ गया कि मैं भी बेच सकता हूं। सेलिंग इज अगेन अ एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर आप बेचना जानते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव मी। आप कुछ ना कि आप में क्या टैलेंट है, अगर आप में सेल करने का टैलेंट है ना, तो बिलीव मी आप जिंदगी में कभी ना भूखे नहीं मरोगे। और ये हर एक बंदे को आना चाहिए, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है, और ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन सब चीजें। आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचते हो, और बेचना बुरी बात नहीं, हर कोई आप जाते नहीं हो क्या सामान खरीदने के लिए? आप पानी तक के आप पैसे देके, तो पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है, तो तुम क्यों शर्म करते हो इस बात को लेके? और लास्ट में जाके आप अपने डॉक्टर की सर्विसेज भी तो बेचोगे ना। आप जब अपना, पता है कंसल्टेंसी का डॉक्टर, आप बिलीव करोगे डॉक्टर की फीस कहां से कहां वेरी करती है? एक डॉक्टर ऐसा भी है जो 20-30-50 रुपए लेता है कंसल्टेंसी के, एक डॉक्टर ऐसा भी है भाई, मैंने डॉक्टर देखा है, मैं एक डॉक्टर देखा है मैंने, मैं उसकी कंसल्टेंसी फीस बिलीव करोगे 2500 सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी फीस है, 2500 रुपए कंसल्टेंसी, मतलब वो 2 मिनट भी मुश्किल से बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी फीस इतनी, बात करने के, डॉक्टर के साथ बैठकर बात करने के 2500 रुपए चार्ज कर रहा हूं। तो यार है, लोग इससे भी ज्यादा लेते हैं, और ज्यादा एक्सपर्ट है तो 10-10 हजार रुपए भी लेते हैं। सो आप बेच ही तो रहे हो, अपनी कला को बेचना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपका घर भी है, घर बार है, अपने सपने हैं, उनको पूरा करने है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि भैया हम लोग क्या स्टडी के साथ साथ ये काम कर सकते हैं, कर सकते हो तो क्या क्या तरीके हैं, हमको कब से शुरू करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं यहां पर, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल पहले सुनिएगा आप लोग, कौन कौन एकदम सुनना चाहता है मेरे सवाल को, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। तो आज मैंने आपको थोड़ी थोड़ी तो अंदाजा दे ही दिया है कौन कौन मेरे सवाल को सुनना चाहता है। मेरा सिंपल सवाल है, 2800 बच्चे देख रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में आज नहीं तो कल ये कला जानना चाहते हैं कि हम लोग अर्न कैसे करें। क्योंकि आप जब बैचलर्स के लिए भी जाओगे ना, तो अच्छा है यार अपने माँ बाप को कहो कि मैं ना बैचलर के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं कैसे। और मैं, आप जब फॉरेन जाओगे ना, तो फॉरेन में आप बच्चों को देखना, फॉरेन में बच्चों को देखोगे ना, तो वो कॉलेज, अपनी स्कूल और कॉलेज की फीस खुद ही भरते हैं काम कर करके। उनको शुरू से कमाना बताया जाता है, कैसे कमाया जाता है। इसलिए तो फेसबुक जैसी आज फेसबुक एक इंडस्ट्री की तरह ही गए हैं हम लोग। फेसबुक कहाँ से शुरू हुई थी पता है आपको? एक कॉलेज का स्टूडेंट था, जो कॉलेज में जाते जाते वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और आज फेसबुक कितना बड़ा है सबको पता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने कॉलेज के साथ साथ आप कुछ ऐसा डेवलप कर लो कि आप करोड़पति हो जाओ, आपके माँ बाप खुश हो जाएं। करना चाहोगे? कौन कौन करना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की हाँ, आज नहीं तो कल हमें अर्न करना सीखना है, और हम लोग जानना चाहते हैं कि काम कैसे होता है, सर प्लीज हमें बताइए। 3000 बच्चे देख रहे हैं, जस्ट वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, आज नहीं तो कल तुम लोग यही काम करोगे, तुम्हें अर्न करना है अपने माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप आपके लिए सपने देखते हैं, तो यही देखते होंगे ना, मेरा बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए,
उसे अर्न करना है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं, और अगर आप भी कमाना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है ये सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है, इसलिए ये कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। और एक दिन आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचोगे, समझ में आ रहा है? यस। और उसी से पैसा अर्न किया जाता है, और ये सच्चाई है, ये कोई बुरा काम नहीं है, हर कोई यही करता है, ठीक है? तो चलो देखो, आज मैं भी तो अपनी बातों को बेचता हूं ना यार, गलत क्या है उसमें? मैं अपनी बातों को, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको बेचता हूं मैं आपके लिए। मैं भी यूट्यूब पे फ्री हूं, लेकिन यूट्यूब के आने के लिए मैं पैसे लेता हूं, समझ में आता है? मेरे शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं पैसे लेता हूं, मैं उसे अर्न करता हूं, वो आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए अदर प्लेटफॉर्म से पैसा आता है। सो ये सारी चीजें आज में, कौन कौन बच्चा है जो ये काम सीखना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, अब मैं बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा। देखिए कौन कौन सीखना चाहता है, नाम लेता हूं मैं, विकास, मोहम्मद और सोनू, हरिका, प्रभास, पुष्पा, शैली, कृष्णा, ओके, रुपेश, अंजलि, अमेजिंग, नताशा, बहुत बढ़िया, अनूप, अभिषेक, निखिल, रचिता, रिट्टा, कमलेश, पारस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली, मतलब सारे बच्चे सीखना चाहते हैं। और इसमें एक और बात, लड़का हो चाहे लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के टाइम पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज इतना 2021 में जी रहे हैं और इतने, मतलब आज के टाइम पे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आज लड़कियों के ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट मिल जाएंगे, लड़कियों के ज्यादा आप लोगों को यूट्यूब के चैनल मिल जाएंगे, एकदम फ्री लड़कियां यूट्यूब पे। आपने सेजल कुमार का नाम सुना है? किसने सेजल कुमार का नाम सुना है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। सेजल कुमार का नाम किसने सुना है, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी फेवरेट, आई कैन से कि शी इज माई फेवरेट यूट्यूबर एज वेल, सेजल कुमार। किसने सुना है? अगर लड़कियों को, जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी है, बेटा मत करो, आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप डीपी मत लगाओ या अपना नाम मत लिखो, लड़कियों को डराते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कौन कौन सेजल कुमार को जानता है? आपको पता है सेजल कुमार, मेरे ख्याल से मतलब मैंने जितना सुना है, वो जयपुर के कॉलेज से निकली हुई लड़की है, सिंपल। और उसका ये, और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है। लेकिन आज ये लड़की इतनी मल्टी, अगर ये लड़की है ना, इस लड़की को किसी ने कहा होता कि नहीं सिक्योरिटी, लड़कियों को सिक्योरिटी के नाम पर कहा जाता है कि तुम डीपी मत लगाओ, तुम अपना नाम मत लिखो, खुद भयंकर एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को एक्सपोज नहीं करने देंगे। आज अगर सेजल को ये बात किसी ने कही होती, क्या सेजल बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी, आज सेजल को किसी ने कहा होता कि नहीं सेजल, लड़कियों की सिक्योरिटी इंडिया में ठीक नहीं है, तुम मत करो, तो क्या सेजल इतनी बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी। मैं आपको बता देता हूं, सेजल कुमार का टिकमार्क लगा हुआ 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैंने इसके टैलेंट को देखा है, और आज इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स इसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। आप इस लड़की की अर्निंग सुन के आपके हालत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि लड़कियां नहीं कमा सकती, लड़कियों की सिक्योरिटी का रीजन है, लड़कियों को कोई खा जाएगा, तो सेजल कुमार आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जस्ट लुक एट हर। अरे आज लड़कियां लड़कों से कम है क्या? काहे लड़कियों को डरा रहे हो तुम? और जितना लड़कों का हक होता है कमाने का, उतना ही लड़कियों का भी हक होता है। और मैं आपको बताता हूं कि लड़कियों को जरूर सीखना चाहिए कमाया कैसे जाता है। क्यों सीखना चाहिए, मैं रीजन बताता हूं। और ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रो करके ये चीज बता रहा हूं, थोड़ा कंजर्वेटिव सी चीज है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं। देखो आज भी पूरे वर्ल्ड में ही है ऑलमोस्ट ऐसा होता है, पर इंडिया में तो होता ही है। आज भी माँ बाप लड़कियों की शादी करते हैं, या तो ज्यादातर बिना पूछे होती है, पसंद नहीं पूछी जाती है, पता नहीं पसंद पूछ भी ले तो उनको एक लड़के के साथ बांध दिया जाता है जो लड़के को वो शायद जानती भी नहीं है। लव मैरिजेस बहुत कम होती है इंडिया में, अरेंज मैरिजेस होती हैं। वो पता नहीं लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बाद में पता लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो लड़की बेचारी कहने से डरती है, वो सहती रहती है घर पे, कभी सास से प्रॉब्लम, कभी रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, कभी पति से प्रॉब्लम, बेचारी वो कुछ नहीं बोलती है।
लेकिन अगर वही लड़की कमाना जानती हो तो वो क्या ये सब प्रॉब्लम सहेगी? नहीं। आज लड़कियों को कमाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लड़कियों का कमाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। और मुझे अफसोस होता है कभी कभार कि लड़कियों को डराया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर इंडिया में कि तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। यार क्या सेजल कुमार, शी इज अ बिग ब्रांड, और मैं आपको लाइन से बहुत सारी लड़कियां दिखा दूं जो कि इंडिया में बहुत बड़ी ब्रांड है, तो क्यों लड़कियां डरती हैं? और आज लड़कियों को ही सबसे पहले सीखना है कि कमाया कैसे जाता है। और आपको मैं लड़कियों को तो स्पेशल एग्जांपल देता हूं सेजल कुमार का, आप जाके उसको फॉलो करो, यू कैन अर्न। ये आज मैं इसकी इनकम बता देता हूं, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट पूरे साल भर में ये 4 से 5 करोड़ रुपया इंडिविजुअली कमा लेती है ब्रांड कोलैबोरेशन से। अब आप बताओ, और ये लड़की कितने साल की है और ये कॉलेज से कमा रही है, तो क्यों हम लड़कियों को डराते रहते हैं? और लड़कों को भी कमाना सीखना चाहिए। लड़कों को तो क्या ट्रेडिशनली कमाना सीखना ही है, वो तो बचपन से उन्हें कहा भाई तुम तो कमाओ जाके, लेकिन लड़कियों को भी पैरेलली कमाना सीखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि हमें क्या होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हिम्मत दिखाओ, आगे आओ, अपनी डीपी लगाओ, अपना नाम लिखो, डरने की जरूरत नहीं है। कौन कोई क्या कह लेगा? और कोई यार ये कोई वो जमाना थोड़ी चल रहा है 1990 का जहां पर इनसिक्योरिटी सन 2000 चल रहा है। सोशल मीडिया इतनी पावरफुल हो चुकी है, आपके साथ कोई भी कुछ भी करेगा आप तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दोगे, डरने की बात है कहां पे? सब फालतू फर्जी बातें हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? और ये क्या करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सेजल कुमार को रिस्पेक्ट करता हूं। मतलब ये बेसिकली मैंने बहुत बार देखा है कि हाउ टू ड्रेस, विमेंस को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिर्फ ड्रेस पहन के दिखाती हैं, और बहुत सारी ड्रेस की कलेबरेशन है, ये भी कमाने का एक तरीका है। सोचिए कि आप देखो, आज हर कोई लड़की जानना चाहती है कि हाउ टू ड्रेस इन मतलब अलग अलग जगहों पे कैसे ड्रेस कर, जैसे कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, फंक्शन में जाना है। इसके अलावा भी वो फैशन सेंस बताती हैं, शी इज रियली कूल, बहुत अच्छी है ये। सो ये फैशन सेंस बताती है, और वो सिर्फ क्या करती है, बाकी जो ब्रांड्स है बहुत सारे वो उसको अपने कपड़े देते हैं कि प्लीज आप पहन के दिखाओ ताकि उनके कपड़े बिके, और ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करती है। अब आप अंदाजा लगाओ, ये भी पैसे कमाने का तरीका है। और जो लड़की करोड़ों रुपया कमाती हो, लगता है वो किसी से डरती होगी? बताओ मुझे, जो लड़की करोड़ों रुपया कमाती हो, लगता है वो किसी से डरती होगी? तो इनको अपना आइडियल बनाओ, कहां पे ऐसे लोग जो आपको डराते रहते हैं उनको आप लोग आइडियल बना के बैठे हो, कोई फायदा नहीं है उनका। मोस्टली सेन का एग्जांपल ले लो, शी इज रियली कूल, मोस्टली सेन मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, हाउ चार्मिंग शी इज। मोस्टली सेन को जानते हो आप लोग? आज मैं खुल के बात करूंगा, समझ में आ गया? मोस्टली सेन को जानते हो आप लोग? कौन कौन मोस्टली सेन को जानता है? तो ये सारे एग्जांपल है यार, बहुत सारी लड़कियां आपको मिल जाएंगी लाइन से जो अपना फ्यूचर बना रही है ऑनलाइन पे, सब कहने की बात है, समझ में आ गया? सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कि प्राजक्ता को जानते हो? बस। तो और एक और लड़की है, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि टिकटॉक से निकल के आई थी एक लड़की, और आज उसका गाना रिलीज हुआ है, बहुत सुंदर गाना है, मैं नाम भूल गया हूं उसका। सो मैंने उसको भी नीचे से ऊपर उठते हुए देखा है, और बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कमा नहीं सकते, ठीक है? सो चलिए, अब मैं आज आप लोगों को बताता हूं, आप लोग रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो, तो लेट्स लर्न कि कैसे कमा सकते हो, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। ऑलमोस्ट 3600 बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करो, और लड़का हो चाहे लड़की हर किसी को कमाना सीखना चाहिए। तो चलो, मैंने आपको बता तो दिया है कि एक्चुअल में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, और आप लोग तैयार हो जज्बे के साथ मैं बताऊं आपको? यस, सो विल टॉक अबाउट दैट। और एक और लास्ट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया आपको डराएगी, दुनिया उल्टा सीधा कहेगी, दुनिया आपको कहेगी कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी औकात की बात भी नहीं है। यहाँ पर दो मोटो होते हैं जब लोग आपको डराते हैं, या तो वो खुद इनसिक्योर होते हैं ताकि तुम आगे ना निकल जाओ। पहली चीज, जब आपको डराते हैं ना लोग, नहीं नहीं सिक्योरिटी समझो ऐसा करके डराते हैं, तो वो खुद इनसिक्योर होते हैं ताकि आगे आप ना निकल जाओ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगे, मतलब वो खुद कामयाब हैं लेकिन दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और दूसरा, जब आपको लोग कहते हैं ना कि तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती, तो वो खुद नहीं कर सकते इसलिए वो आपको बोलते हैं। तो लीव दोज कमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कहने से कुछ नहीं होता। इंडिया इज अ सिक्योर कंट्री, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और सोशल मीडिया अपने बूम पर है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, बिलीव मी। और अच्छा, अगर आप अच्छी सिटी में रहते हो तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? सो डरने की कोई बात नहीं है, बिलीव करो अपने आप पे और आगे बढ़ो, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा काम करोगे तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो चलो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लड़का हो चाहे लड़की, सिमिलर मैं सबसे कहूंगा कि आज कमाएं कैसे उसके बारे में बात करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। गौतम ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की है, सो थैंक यू सो मच गौतम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं। और एक और बात बताता हूं, जरा सुनिए। आपको पता है कि नीट 2021 के क्रैश कोर्स में बहुत सारी ऐसी लेडी फैकल्टीज भी हैं जो पढ़ाती हैं, बहुत सारी लेडी टीचर्स। एक और बात बता देता हूं, वेदांतु में ही हमारे पास जूनियर पोर्ड है, 10th, 9th, 10th का पोर्ड है, और जूनियर पोर्ड, जूनियर मतलब 5th, 6th, 7th, 8th, बहुत सारा यंग ब्लड वहां पे पढ़ाता है। कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आया है, जूनियर के अंदर पढ़ा रहा है, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या वेदांतु, और आप मेहनत करोगे तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत है कमाने के। समझ में आ गया? रिसोर्सेज बहुत है। तो आज मैं सबके लिए मैं खोल देता हूं नीट का 2021 का क्रैश कोर्स का रिव्यू दे देता हूं। 120 सेशन में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और आप, और एक और बात बताता हूं, कभी कभार सोचते हैं कि हम क्या करेंगे करके, जब आप ये क्रैश कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा ऑनलाइन में पढ़ाया कैसे जाता है। क्या आपको पता है, आप ऐसे कितने ऐसे बच्चों को पता है जो ऑनलाइन में कैसे पढ़ाया जाता है? और आपको पता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। और आप सुनना चाहते हैं मुझसे कि जो ऑनलाइन ये क्रैश कोर्सेज में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं? 15 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक उनको मिलता है। अब आप इमेजिन करो कि आपको यहां पर, और आप पता है, एक और बात बताता हूं मैं, एक बात सुनना, एक बार मैं आपको थोड़ी सी, मैं आपको आइडिया देता हूं। शायद धीरूभाई अंबानी थे, धीरूभाई अंबानी जब उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था इतना, मैं उनका एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, आपको आपको मालूम पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी के पास जब इतना पैसा नहीं होता था तब भी वो ताज होटल में चाय पीने जाते थे, जहां पर उस टाइम पे ताज होटल में चाय के पैसे लगते थे 300 से 500 रुपए, और इतने पैसे नहीं होते थे। चाय तो चाय की थड़ी पे मुश्किल से 1-2 रुपए में मिलती थी, 1-2 रुपए में चाय पी सकते थे, लेकिन वो ताज होटल में 500 रुपए की चाय पीने जाते थे। क्यों क्यों जाते थे जानते हो? क्योंकि ताज होटल में अमीर लोग आते थे जिनके पास बहुत पैसा था, जब वहां चाय पिएंगे तो उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा तो समझ में आएगा कि वो इतने अमीर कैसे हो गए, इतना पैसा कैसे कमाया उन्होंने। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक बात समझ लो, अगर आपको पैसा कमाना है और जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं तो जाओ उसके अंदर, है ना, जो काम कर रहे हैं उनके पास बैठो, जाओ उनसे सीखो कि वो कैसा करते हैं। इसलिए आपका जो नीट का हमारा क्रैश कोर्स है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो जाओ चेक करो कि नीट के क्रैश कोर्स में फैकल्टीज पढ़ाती कैसे हैं, कैसे पढ़ाती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। देखो आपको शुरू में लगेगा 7-8 हजार इन्वेस्टमेंट, आप इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 7-8 हजार भरने से आपको दो चीजें मिलेंगी जब आप नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे। पहला, आप ये सीखोगे, समझोगे कि ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाता है। दूसरी चीज, इन फ्यूचर अगर आपको फैकल्टी के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये चीज हेल्प करेगी। तीसरी चीज, आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगी। सो यू शुड ज्वाइन दैट। हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और इंसान को करना ही चाहिए। 120 सेशन में पूरे के पूरे आपको नीट का सिलेबस करवा दिया जाएगा, और डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं सुबह से लेकर रात तक। अब आप ये सोचो कि डाउट सोल्व कैसे करते हैं, ये भी आपके लिए नई चीज होगी। फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होता है, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है। टू वे इंटरेक्शन, आप ये भी देखो, किसने देखा है टू वे इंटरेक्शन, मतलब चलती क्लास में वो आपसे बात कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आपने देखी है? तो जब आप देखोगे तभी तो कहोगे यार मुझे भी पढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है। 8000 रुपए में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, 20% डिस्काउंट है, AA नीट कूपन कोड है, 15 फेब से शुरू हुआ है, जाओ चेक करो। हर एक चीज के मायने होते हैं, याद रखना। और कुछ नहीं करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, दैट मे हेल्प यू लॉट। टेस्ट कैसे देते हैं, क्या होता है, क्या इंटरफेस यूज होता है, इसमें कैसी क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, 2000 रुपए का पूरा टेस्ट सीरीज का पैकेज है, जाओ ज्वाइन करो, दैट मे हेल्प यू अलॉट। एंड फाइनली टेस्ट सीरीज में भी आपका पूरा डिस्कशन होगा, 14 फेब से शुरू हो रहा है। डिस्कशन के साथ साथ बताया जाता है आपने कहां पे गलतियां की, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, आप जाके टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करना, ये मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। कुछ करो नहीं करो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। आज के सेशन की डिटेल ये, अब हम चलते हैं कि भैया पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है। तैयार हो? तो अब मैं आप लोगों को अगले आधे घंटे में सारी चीजें बता दूंगा पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है। तैयार हो तुम लोग? हाउ इज जोश, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, हाउ इज द जोश। 3742 बच्चे हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कौन कौन जानना चाहता है पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जाता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन।
कम ऑन डूड, फटाफट से लिख के बताओ। और ये देखो ये लड़का, इसका पिक्चर दिमाग में रखना और आज रात को देखना कि 8 साल का बच्चा कैसे 1 महीने में 12 करोड़ रुपया कमाता है। और अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो अब ये सेशन शुरू होता है, ध्यान से उसको चेक करना। और अगर आप लोगों ने दिल खोल के लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द सेशन, क्योंकि ये आज आपकी शायद जिंदगी बदल दे। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा और मैं आपको सारे कमाने के तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि लोग अक्सर खुद कमाते हैं लेकिन दूसरों को कहते हैं तुम्हारे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब तुम्हें रोकते हैं किसी ना किसी से, किस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में मत आओ, वो चाहते ही नहीं कि आप प्रोग्रेस करो। सो प्लीज डोंट यू नो बी फूल। और आप ईमानदारी से सब जानते हो कि आप सब कमाना चाहते हो पैसा, और आपके माँ बाप भी चाहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहले तो टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती, और आज के टाइम पे समय के ही पैसे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब ना सच बता रहा हूं, जब आपके पास समय की कमी होती है ना तो आप किसी भी चीज के डबल पैसे दे के भी उसको खरीदोगे। तो इसलिए आज के टाइम पे ना पैसों की वैल्यू नहीं है, आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है। कोई भी चीज बिक रही है वो टाइम के हिसाब से बिक रही है। टाइम चाहे तो किसी को नीचे गिरा सकता है, टाइम चाहे तो किसी को ऊपर उठा सकता है। 2020 में ऐसा टाइम आ गया था जो इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो अपने आप को शेर समझते थे, धक्के खाए हैं उन्होंने। सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एजुकेशन इंडस्ट्री में शेर समझते थे, 2020 ने उनको जमीन दिखा दी। ऑनलाइन तब बूम पे आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2020 में इन्होंने इतना पैसा कमाया जो ऑफलाइन वाले जमीन पर आके गिरे। एक बड़ा इंस्टीट्यूट तो बेच दिया गया, आपको पता है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो नीट की तैयारी करवाता था, फिजिकल क्लासेस, 2020 के कोरोना काल में उसने अपने आप को बेच दिया एक ऑनलाइन क्लास वाले को। जानते हो ना तुम, एक ऑफलाइन क्लास बिकी है एक ऑनलाइन क्लास के। अब आप देखो, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा एम्पायर जिसका हो वो खुद बिक जाएगा किसी दिन? बेच दिया उसने अपने आप को। सो आज कीमत किस चीज की है? टाइम। ये किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। ये ऐसी चीज है जो वैल्यू बढ़ाती है और वैल्यू गिराती है, यही है जो वैल्यू बनाती है। आज कोई कहे कि किसी चीज की कीमत क्या है, किसी भी चीज की कीमत रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आज अगर मैं तांबे की चीज खरीद के लेके आया हूं तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि ये इसकी लोगों ने बात की, रिक्वायरमेंट है, तो लोग आज इसको खरीद रहे हैं और इसके दाम भी उतने ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी की कीमत गिरती और उठती क्यों है? टाइम के हिसाब से। कीमत तय कौन करता है? समय जो कीमत तय करता है। और आज के टाइम पे टाइम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। और टाइम को, अगर आपने टाइम को समझ लिया और टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया तो आप पैसा कमा सकते हो, याद रखना इस बात को। तो चलो सबसे पहले तो क्या हम फ्री समय में कुछ कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हो, पहला सवाल ही उठता है। यस यू कैन अर्न, आप फ्री समय में कमा सकते हो। और आज तो कमाने के जरिए इतने हैं, घर पे बैठ के कमा सकते हो। बस थोड़ा फ्रॉड से दूर रहना, ऑथेंटिक वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो बस इसी डर लगता है। बट ये ऑथेंटिक वे से पैसा बहुत जगह से कमाया जा सकता है। मैं भी पहले ऐसे यूट्यूब पे समझता था, यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं, पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन सच बता रहा हूं, मेरी फर्स्ट जो अर्निंग हमारे घर में आई वो 25,000 रुपए थी यूट्यूब की। और ये बात है आज से 7 साल पहले की, 7 साल पहले की बात है। अब इमेजिन करो कि मैं तब सोचता था कि ऑनलाइन से कौन पैसा देता, सब पागल बनाते हैं। समझ में आता है? सब अब धक्के खाका के ही कमाना होता है, जाओ क्लासों में धक्के खाओ। तब मैंने 25,000 रुपए अपने घर पे आते देखे यूट्यूब के थ्रू, और मैंने कहा ओ माय गॉड, 25,000 मैं धक्के खा रहा हूं। 20,000 में सुबह 7 बजे, मैं तब एक कॉलेज में जॉब करता था, 20,000 रुपए में सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 4 बजे आता था। और जब मुझे पता लगा कि मेरे घर पे YouTube से 25,000 रुपए आए हैं और मैं 20,000 पूरे महीने के लिए झकमरा के सुबह से शाम तक घूमता रहता हूं, तो मैंने अपना ध्यान भटकाया। मैंने कहा छोड़ो, चलो ऑनलाइन की तरफ। मैं तभी समझ गया था। समझ में आ रहा है? सो देर इज एन इंडिकेशन कि ऑनलाइन से लोग पैसा कमाते हैं, और लोग पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, झूठ नहीं है ये। अब सवाल ये उठता है, लेकिन हमें क्यों कमाना है, क्यों कमाना चाहिए? सवाल उठता है। अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बच्ची, तू क्या करेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दे। उनको नहीं पता कंपटीशन कितना है। और ले देखे ना, आज मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के और हर लड़की को कमाना सीखना चाहिए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। समझ में आता है? ताकि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए तो उनको पता है हाउ टू अर्न। कई बार लड़कियों की मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि लड़कियां शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं।
है, ना वो घर पे जा सकती हैं और ना इस घर पे रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे जिस घर पे शादी हुई है वहाँ पे घर का माहौल बहुत ख़राब है, ना उस घर पे जा सकती है क्योंकि माँ बाप की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो बेचारी लड़की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर अगर वो कमाना जानती है तो वो सुस्ताएगी नहीं, परेशान नहीं होगी, इसलिए कहता हूँ कि कमाना सीखो। समझ में आता है? तो वाई शुड यू और आपको क्यों कमाना चाहिए? पहली चीज, यू कैन सेव फॉर हायर एजुकेशन। आप बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, अपने स्कूल और कॉलेज की फीस बच्चे खुद भरते हैं, तो इंडिया के पेरेंट हैं जो तुम्हें कमा कमा के देते हो, मेरा लाला बच्चा, मेरा प्याला बच्चा, मेरे पापा की परी, तू थोड़ी कमाएगी। आप बाहर जाओगे ना, जाके देखो एक बार, सबको पता है वैसे बात, ठीक है ना। हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन हो, दसवीं के बाद अपनी फीस वो खुद ही भरते हैं, वो पापा की परी या पापा का परा नहीं होते वहां पे। जाओ कमाओ और अपनी फीस भरो। इसके लिए वो मैकडी में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मैकडोनल्ड में काम करेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहां से पैसा अर्न करते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। इंटर्नशिप करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जाके, और कोई बुरी बात नहीं होती है रेस्टोरेंट में काम करना। यहां तो ओ माय गॉड, वो तो रेस्टोरेंट में काम करता है, समस्या यही है यहां पर इंडिया में। समझ में आ गया? कोई बुरी बात नहीं है यार, कमाना सीखो, कमाई किसी भी वे से हो दैट इज गुड, पर अच्छे तरीके से हो दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। और आज अच्छी पता है मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बेंगलोर में आपको बता देता हूं, यहां पर है ना स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज खुली है ऑनलाइन में फूड डिलीवरी की और आइटम डिलीवरी की, उसमें पार्ट टाइम में कॉलेज के बच्चे काम करते हैं, ठीक है। मैं कंपनी नहीं बता सकता हूं कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो वहां पे कॉलेज के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हम भी कमा सकते हैं, तो चलो पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी, आइटम डिलीवरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपनी फीस भरते हैं। गलत बात नहीं है, तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह पे होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप सेव कर सकते हो, ताकि मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? तो ये एक सबसे बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरा, टू हेल्प योर पेरेंट इन टफ टाइम। देखो 2020 ने सबको सिखा दिया कि समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी बदल सकता है, समय का चक्का कभी भी घूम सकता है। तो इस केस में पेरेंट्स को पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना आपके घर में कितने, आपके यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से कितनों के पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, कोई काम नहीं था उनके पास। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था। बताओ यहां पर ईमानदारी से लिख के बताओ। हमारा कोरोना में काम बढ़ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम कम हो गया था, है ना, ऐसे बहुत सारे। और आप जरूरी नहीं है पेरेंट की बात हो, मे भी हो सकता है आपके घर पे कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कोरोना काल के चक्कर में घर पे बैठ गया, आपका भाई भी हो सकता है, चाचा हो सकता है, ताया हो सकता है, आपने किसी ना किसी को घर पे बैठे देखा होगा, वो कह रहा होगा काम मेरा ठप हो गया। तो कोरोना काल ने दिखा दिया कि तुम ये सब बातें रहने दो कि तुमने पैसा कमा लिया तुम्हारा बिजनेस चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कभी भी घर पे बिठाए जा सकते हो, नेचर घर पे बिठा देगी। समझ में आता है? तो ऐसी टफ सिचुएशन में आपके घर वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैसे कमा के देगा आपको, नहीं कमा के देगा। इन दैट केस अगर ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा आ गई तो आपके पेरेंट्स, देखो उनके आपके पेरेंट की गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। तो इन दैट केस अगर आप कमाते होते तो आपके पापा की आप मदद कर सकते थे। चलो पापा की मदद नहीं कर पाते तो आप अपनी मदद तो कर ही सकते थे, अपना खर्चा तो खुद निकाल ही सकते थे। और आप बिलीव करो, बिलीव मी, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो स्कूल की फीस नहीं दे पाए, ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए, तो बच्चे परेशान हो रहे। इन दैट केस अगर बच्चे कमाना जानते तो अपनी फीस वो खुद भर सकते थे। हम लोग कमाने को इतना बुरा क्यों मानते हैं, छोटे बच्चों को कमाना क्यों नहीं सिखाते हैं? आपने कभी सेमिनार देखा हो तो विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार के अंदर 8 साल का छोटा सा गुजराती बच्चा, उसकी वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। वो कहता है मैंने LIC की पॉलिसी बेच के मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने 1,00,000 रुपया कमाया, अब आप मुझे ये बताओ कि 1,00,000 को 1,00,000 में कैसे बदला जाता है। ये क्लिप देखी थी तुम लोगों ने, छोटा सा बच्चा था वो, तो जो छोटा सा बच्चा जब ऐसी बात कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों अपने माँ बाप के लिए तुम कमाना नहीं जानते हो या कमा नहीं सकते हो, और माँ बाप क्यों रोकते हैं? देखिए वो क्लिप, विवेक बिंद्रा के सेमिनार के अंदर वो बच्चा था, वो क्लिप फेसबुक पे वायरल हो गई थी, छोटा सा बच्चा था, वो क्या बोला पता है? मैंने LIC से बेचकर मैंने पैसा कमाया, अब मैंने 1,00,000 रुपया मेरे पास है, मुझे बताओ 1,00,000 रुपये से 1,00,000 रुपया कैसा कमाया जाए। आप गुजरात में जाओ यार, मैं गुजरात में 4 साल रहा हूं, सच बताता हूं, सूरत में रहा हूं भाई, गुजराती कहते हैं धंधो चोखो, पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं है गुजराती बच्चों का, उनका ध्यान एक ही चीज पे, बिजनेस धंधा। धीरू भाई क्या कहते थे? मैं अपने धंधे का पक्का हूं, बिजनेस करना जानता हूं।
धीरू भाई कहां से निकल के आए थे, कोई करोड़पति थोड़ी थे, सबको पता है पेट्रोल पंप पे बाहर काम करते थे, यहां से गए थे बाहर सऊदी अरेबिया या साउथ कंट्री साउथ ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वहां पे पेट्रोल बेचा करते थे, वापस धंधा चालू किया में आके, फिर इतने आज अपने बच्चों को खड़ा कर दिया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी तो इतना नहीं है बट मुकेश अंबानी का एशिया में रिचेस्ट लोगों में नाम आता है, नंबर वन पर धंधे का पक्का हो, पैसा कमाना जानता हूं। धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े हुए थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कुछ भी नहीं थे भाई, तो सब फालतू की बातें हैं। तो इसका मतलब यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स, डरो मत, मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग करते हैं और समझ में आता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक बना रहा था तो कॉलेज में फेल हो गया था क्या, वो सब झूठी बातें हैं। लोग अपने कॉलेज में पढ़ पढ़ के भी, और स्टीव जॉब ने तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, भले कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की जिसमें खुद इनोवेशन करते थे वो, उससे बड़ा इनोवेटिव पर्सन हाल के दिनों में तो कोई पैदा भी नहीं हुआ, सारे बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्टीव जॉब एक इनोवेटिव पर्सन था। भाई साहब एक प्रोजेक्ट के लिए दो दो तीन तीन महीने अपने आप को बंद करके रख लेता था इनोवेशन के लिए, एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया उस बंदे ने। सो जब झूठी बातें हैं कि यार मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है तो यू हैव टू अर्न, तीसरी इंपॉर्टेंट बात टू नो द वैल्यू ऑफ अर्निंग मनी। जब आप कमाना आपको क्यों चाहिए, ताकि आप पैसों का और पैसे कमाने का महत्व समझ सको, पैसों का और पैसे कमाने का महत्व अपने पेरेंट्स से पूछो एक बार, अभी के अभी जिसके हाथ जिसके साथ में पेरेंट्स बैठे हैं अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है। इलॉन मस्क, यस, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है, वो आपको अभी बताएंगे। आपके पापा सुबह निकलते हैं पैसे कमाने के लिए, आज कोरोना काल में भी निकल रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारों के बच्चे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर, कुछ किसी के पेरेंट ड्राइवर होंगे, सुबह निकलते होंगे अपनी कार लेके, कमा के लेके आते होंगे आप लोगों के लिए, उनको पूछो 100 रुपए कैसे कमाते हैं, जब वो कमा सकते हो तो तुम नहीं कमा सकते हो, तुम भी कमा सकते हो, और कमाते कमाते कहाँ निकल जाओगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, इसलिए कमाना सीखो। समझ में आता है, कोई जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के बस कंधों पर बैठ जाओ दम लगा के, ये तो इंडिया है तुम्हें बिठा रखा है, कोई बाहर होता तो तुम्हें कहते जाओ कमाओ अपने हिसाब से, ठीक है। सो बहुत बढ़िया बात है, सो आप लोग समझ जाओगे, जब आप अर्न करना सीखोगे 10 रुपए 5 रुपए तो आपको समझ पाएगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उनकी सपोर्ट करोगे हेल्प करोगे तो आपको पैसे का महत्व भी समझ में आएगा। समझ में आ गया। चौथा, टू लर्न हाउ टू मैनेज। जब आप पैसा कमाना सीखते हो तो देखो, जब आप पहले बार पैसा कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आज आपको पापा 100 रुपए देते ना, आप सोचते भी नहीं हो 100 रुपए खर्च करने में, सोचते हो क्या, नहीं सोचते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद से 100 रुपया कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखोगे कि 100 रुपए आपने कहाँ खर्च किया और कहाँ कहाँ पे नहीं खर्च किया, तुम्हारी सेविंग कितनी है, मेरा 100 रुपए है, जब आप 100 रुपए अर्न करते हो। आया समझ में? इसलिए अर्निंग आपको ना बहुत सारी चीजें सिखाती है। जब आपके हाथ में पैसा होता है, यार मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर के अंदर, मैनेज कैसे करते हैं पैसों को ये सीखते हो। पता है एक बात बताता हूं मैं आपको, इसी छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मुझे याद आ गई, ठीक है। वो क्या थी कि एक बाप चाहता था अपने छोटे से बच्चे को कि वो पैसा कमाना सीखे, तो उसको बोल दिया कि आज तुझे पैसा तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू 1 पैसा लेके आएगा, मेरे हाथ में देगा तुझे खाना दूंगा मैं। तो वो गया तो अपने चाचा के पास चला गया, चाचा को बोलता है, चाचा आज पापा ने कहा है कि मुझे पैसा तभी मिलेगा जब मेरे हाथ में 1 रुपया होगा, 1 पैसा होगा, 1 रुपया होगा जो भी। तो चाचा ने उसको 1 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा है? चाचा ने 1 रुपया दे दिया। अब वो भागते हुए पहुंचा, पापा ये लो 1 रुपया। पापा ने वो पैसा 1 रुपया कुएं में डाल दिया, हट, ठीक है, उसको दे दिया खाना। अगले दिन भी यही बोला, जब तू 1 रुपया लेके आ तुझे तभी मिलेगा। फिर अगले दिन वो, अब चाचा से डेली डेली तो मांग नहीं सकते, समझ में आता है, तो अगले दिन किसी और रिश्तेदार के पास पहुंच गया, उसने 1 रुपया दे दिया, फिर वो कुएं में फेंक दिया, समझ में आ रहा है, और फिर उसको खाना दे दिया। ऐसे करके डेली उसको बोलते तू 1 रुपया लाएगा तब तुझे खाना मिलेगा। सारे रिश्तेदार खत्म हो गए, और जिस जिसे मांग के ला रहा था उन रिश्तेदारों को पापा ने बोल दिया कि अगली बार तूने पैसा दिया मेरे बच्चे को तो तेरी खैर नहीं। एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया, पापा के पास गया, सॉरी चाचा के पास गया, ताया के पास गया, सबके पास चला गया, समझ में आ रहा, किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। अब उसको पता लगा कि अब 1 रुपया नहीं दूंगा तो भूखा मरूंगा। तो उस बच्चे ने निराश हताश होके वो गांव में घूमता रहा, एक जगह पे एक लकड़हारा लकड़ काट रहा था, उसने लकड़ी तो वैसे काटती तो चीरे कर रहे थे छोटे छोटे। तो वो कहता है कि आपके पास कोई काम है क्या, मुझे 1 रुपया, आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या, ऐसे उसने पूछा, आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या। बोले कि दे तो सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा।
तो बोला क्या काम करना है? बोले कि मैं लकड़ी काट रहा हूं, इन लकड़ियों को बस वहां पे जचाना है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। समझ में आता है? तो वो 2-3 घंटे तक लकड़ियों को जचाता रहा, जचाता रहा, जचाता रहा, पूरा काला हो गया, थक गया। और फिर जब उसने 1 रुपया हाथ में देखा ना, उसने दिया उसको काम करने के बाद 1 रुपया हाथ में, उसने इसको मुट्ठी में बंद कर लिया। और फिर वो गया अपने पापा के पास, पापा 1 रुपया, ऐसे खोल के दिखाया, पापा 1 रुपया। पता है वो समझ तो गए थे कि इस बार ये मेहनत से कमा के लाया, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को तो मना कर दिया था, फिर भी 1 रुपया लाया तो मेहनत से कमा के लाया होगा। फिर भी उसके पापा ने क्या किया पता है? वो 1 रुपया लिया और कुएं में फेंकने की कोशिश करी, ऐसे फेंक ही रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, पापा ये मेरी मेहनत के पैसे है, प्लीज इसे मत फेंको। समझ में आ रहा है? पापा ये मेरी मेहनत के पैसे है, प्लीज इसे मत फेंको। बस उसके बाद से ना उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मांगा खाने के लिए, क्योंकि उसे यही पाठ पढ़ाना था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है। तो वो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है। तो समझो यहां पर हर एक छोटी छोटी चीज ना मायने रखती है। तो ये ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते हो, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं किस तरह से मैनेज किया जाता है, बस ये सारी चीजें आप लोग उसी से सीखते हो। 5वां पॉइंट, अब हम चलते हैं 4 पॉइंट खत्म, कमाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कमाना है तो कमाया कैसे जाता है, मैं आप बात करूंगा इसके बारे में। चलो तो फटाफट से बताता हूं, अगर आप लोगों को आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मेहनत करके आओगे तो पढ़ाई कब करोगे। पहली बात तो टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम यू नीड, आपको क्या चाहिए घर से अगर आपको कमाना है। लेकिन वही बच्चे कमाए प्लीज, दो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम पे ध्यान देना प्लीज, आप लोग इन सब चीजों मत पढ़ना, जो एग्जाम हो जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, आप कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। तीसरी बात, आपको कब कमाना है, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तो फालतू में लड़कियों के पीछे भागना या लड़कों के पीछे भागना या पार्टी करना या घूमना फिरना इसकी बजाय कमाना शुरू करेंगे हम। समझ में आ गया? कौन कौन तैयार है कि मैं अपने स्पेयर टाइम में जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं अब कमाना सीखूंगा, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं फाइनली आपको क्या करना है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार हो? या यस यस यस, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। चलो तो सबसे पहले आपको कमाने के लिए क्या चाहिए, नंबर वन, आप लोग है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जब आप कमाओगे तो कमाई का पैसा उस बैंक अकाउंट में आएगा, आपको कोई हाथ में पैसा नहीं देगा, ले लो बेटा 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। आप ऑनलाइन घर से बैठ के कमाना चाहते हो, यू नीड अ बैंक अकाउंट। अब वो बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, बेटर हो कि वो आपका हो। तो अपने पापा को बोलो कि मेरे को एक बैंक अकाउंट खुला दो मेरे नाम से, पहली चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, खोल सकते हो। और मान लो कि पापा के पास इतना समय नहीं है तो पापा का बैंक अकाउंट ले लो नंबर, पापा के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। मम्मी का बैंक अकाउंट होगा, मम्मी के अकाउंट में चले, बेटर है कि आप अपने ही लो। या फिर एक और का तरीका होता है, वैलिड बैंक अकाउंट हो पेटीएम से जोड़ लो, पेटीएम का नंबर ले लो, लो पेटीएम, गूगल पे उसको उससे जोड़ लो, पेटीएम में भी आप वॉलेट के अंदर पैसे ले सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। पर मैं आपको कहता हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुद के नाम से खुलवा लो, काम आएगा। समझ में आ गया? खुद के नाम से। और पता है छोटे छोटे बच्चों के पैन कार्ड होते हैं, जो पैसा कमाते हैं उनके पैन कार्ड होते हैं। एक बात और बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, किसके पास अपना पैन कार्ड है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस के पास अपना पैन कार्ड है, यस और नो में आंसर करना, पैन कार्ड किस किस के पास है, पैन कार्ड। अब बताओ, इतनी उम्र में आप 15-16-17 साल के हो गए, बहुत सारे बच्चों के पास पैन कार्ड होते हैं, जिनके पास नहीं है बेटा पैन कार्ड बनना बहुत काम आता है। पैन कार्ड ये ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट से सीधे लिंक्ड होती है, अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवाए तो प्लीज बनवा लो, आधार है आपके पास पैन कार्ड बनवा लो, बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसा कमाना है यू नीड पैन कार्ड। पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपके हर अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें करवा लो अगर आप कमाना चाहते हो तो। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो पापा का भी चलेगा, बट बेटर है कि आप अपना खुलवा लोगे तो पापा को बोल दो बैंक अकाउंट खुला लो, अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। पैन कार्ड होना चाहिए, अब बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हो। दूसरा, आपके पास या फोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप भी चलेगा, फोन कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए घर पे पैसा कमाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ये तो होगा आपके पास, फोन के अंदर तो सबके पास होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, घर पे वाईफाई होना चाहिए। अब अगर सर वाईफाई के तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी वाईफाई ने बदली। मैं सूरत में पहली बार मैंने वाईफाई लगवाया था और बहुत, मतलब तब मेरे को दुख हो रहा था कि मैं वाईफाई के लिए 5,000 रुपए दे रहा हूं, हालांकि वो साल भर के कनेक्शन के 5,000 रुपए थे।
और वो भी मैं धीरे धीरे दे सकता था, पर मैंने दे दिए। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैंने 5 हफ्ते तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन वो 5,000 के मैंने 5 लाख रुपए कमाए। तो सोचो, इसको बोलते हैं फायदा। 5,000 जो मैंने लगाए, 5 लाख रुपया कमाया मैंने उससे। समझ में आता है? तो इंटरनेट का कनेक्शन है ना, आपको आपकी दुनिया बदल सकता है। तो ये वाईफाई, पर उपयोग सही होना चाहिए उसका, उपयोग सही होना चाहिए। गलत उपयोग करोगे तो नहीं। यार आज मैं बता देता हूं कि आज सारी मेरा जो मेरे घर पे, आज मैं उस टाइम पे सूरत में था तो 5,000 की कनेक्शन लगाई थी साल भर की, आज मेरा एक महीने का बिल 5,000 रुपये आता है एक इंटरनेट का, सिर्फ इंटरनेट का महीने का बिल मेरा 5,000 रुपये है। समझ में आ गया? आज महीने का बिल, और वो भी मुझे दुखता नहीं, मैं खुशी खुशी देता हूँ। इतना फास्ट इंटरनेट घर पे लगा रखा मैंने, खुशी खुशी देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं 5,000 से, मैं अब संख्या नहीं बता सकता, मैं उतना पैसा कमाता हूँ, तो मुझे क्या जाता है 5,000 रुपये देने में, क्योंकि उसी से तो मैं कमा रहा हूँ। समझ में आ गया? ये तो इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और यही है पावरफुल चीज़, बट इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गलत उपयोग करते हैं तो वो नहीं चलेगा। चौथी चीज़ क्या चाहिए आपको, ये देख लो, टैलेंट, आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, भाई साहब वहीं से आपको पैसा आएगा। कई लोग सोचते हैं जो दूसरे कर ले वो कर ले फिर कमा लेंगे, नहीं। आप खुद सोचो आप में क्या क्वालिटी है, आप उससे पैसा कमा सकते हो इंटरनेट पे आज के टाइम पे, बड़ी बात नहीं है। आप क्या जानते हो, डांस करना, आप जो भी जानते हो, डांस करना जानते हो, गाना गाना जानते हो, सब्जी कटिंग करनी आती है, सब्जी बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, मैगी बनानी आती है, क्या आता है, बर्तन धोने आते हैं, बस उसकी वीडियो बनाओ अपलोड करो, पैसा कमाओगे आप। लोगों को ये भी नहीं आता, लोग पता है क्या है, बिलीव करोगे लोग, आप मधुलिका आंटी है, कभी पूछना इंटरनेट पे, इतनी वायरल है मधुलिका आंटी, सिर्फ सब्जी बना के, सब्जियां रोटियां, हालांकि ये भी कला होती है, बट जितनी भी आजकल लड़कियों को ना, घर पे तो लड़कियां सीखती नहीं है, शादी के बाद समस्या हो जाती है कि हमें तो पति के लिए, सास के लिए खाना बनाना है, तो मधुलिका आंटी को सर्च करती है, बेस्ट रेसिपी बाई मधुलिका आंटी, समझ रहे हो, आलू की सब्जी कैसे बनाए ये भी नहीं आती लड़कियों को, रोटी गोल कैसे बनाए, गोल रोटी बनाने की आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, हाउ टू मेक गोल रोटीज, चपाती सर्च कर लो मिल जाएगी, और मिलियन मिलियन व्यूज होंगे, तो जिसने बनाई होगी वो पैसा कमा रहा होगा। तो आप देखो, आप ये मत सोचो कि उसमें भयंकर टैलेंट चाहिए, अरे आपको रूटीन काम भी, झाड़ू कैसे लगाते हैं, सफाई कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजों को यूज कैसे करते हैं, नहीं आता लोगों को। मैंने ये भी देखा है, तरबूज से जूस कैसे निकाले, उसमें भी मिलियन मिलियन व्यूज है। तरबूज से जूस निकालना क्या है, तरबूज से जूस निकालने में, तरबूज काटा उसके फाड़े मिक्सी में डाले, ब्रर जूस बन गया, उसमें भी लोगों ने 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज कर रखे हैं। बताओ किसको नहीं आता तरबूज से जूस निकालना, फिर उसकी वीडियो बना के लोगों ने पैसा कमा रखा। तो आप अंदाजा लगाओ कि लोग कैसा पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचो कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, आपको क्या आता है, बस उसकी वीडियो बनाओ डाल दो यूट्यूब पे, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ, व्लॉग लिखो, तो आपको दिखाता हूं कैसे कैसे कमाते लोग पैसा। सब कहने की बात है, सब लोग पागल बनाते हैं, उसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। अरे आपको क्या आता है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो कैसे कमाए पैसा, जरूर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। लेट्स सी वेल नोन वेज टू अर्न, मैं आपको अच्छी चीजें बताऊंगा यहां पर, और बाकी यूट्यूब तो है ही अर्न करने के लिए, यूट्यूब पे तो मैंने बता ही दिया आपको क्या आता है, जो आता है वो भाई दिखा दो। पहले तो आप आ जाओ, इसी की बात कर लेते हैं, इफ यू आर गुड एट एप्स, अगर आपको एप्स में इंटरेस्ट है, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐप पे बड़े बड़े ही क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे एप्स के रिव्यू कर सकते हो। मान लो आपको एक ऐप है जो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आप आपने यूज किया है, उसी का एक वीडियो बना सकते हो, एप्स का, सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट का रिव्यू का, यूट्यूब पे रिव्यू कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया खिलौना का, वो यार वो रियान काजी खिलौनों का रिव्यू कर रहा है। सोचा आपने, आपके घर पे टेडी बियर आया, कभी आपने उसका रिव्यू किया? मैं आपके घर पे टेडी बियर आया, ऐसे टेडी बियर है, आपने कभी सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं? आप तो खेलने में लग गए होगे। रयान काजी ने क्या किया, ये टेडी बियर है, दिस इज सो क्यूट, देखो इसके कान, इसका ये 2 कान है, इसका एक नाक है, बड़ा भी फर्री है, बहुत मजा आ रहा है, और मैंने इसको यहां से लिया है, ओ मम्मी बहुत मजा आ रहा है। 8 साल का बच्चा क्या करेगा, उसी से पैसा कमा लिया उसने। बताओ, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हाथ में टेडी बियर है तो उसको रिव्यू करके तुम पैसा कमा सकते हो? टेडी बियर आया 500 रुपए का, मुश्किल से 500 रुपए का आया होगा, उसने एक वीडियो बनाई, उसी से उसने 50,000 रुपए कमा लिया। क्या था उसके अंदर? और लोगों को चाहिए क्या आज के टाइम पे? लोग ये नहीं समझते, लोग ऐसा, मतलब मैं, आप सोचो जरा कि किस लेवल से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप ऐप का रिव्यू, सॉफ्टवेयर का रिव्यू, प्रोडक्ट का रिव्यू, घर पे आप मान लो आप वो लेके आए,
मैं कंघा लेके आया, ये कंघा बहुत अच्छा है, मैंने यहां से खरीदा है, बहुत ही सुंदर है। पता है तुम्हें लगेगा ये पागलपंती है, लेकिन इसको देखने वाले लोग बहुत हैं। सच बता रहा हूँ, आप YouTube पे देखो जाके आपको मिलेगा, लाइन लगी पड़ी है। और बस आप एक बार अपने रिव्यू पे, पता क्या होता है, लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो YouTube पे आते हैं सब देखने के लिए। सच बात है, झूठ नहीं है। रिव्यू करने के लोग पैसा लेते हैं, कैन यू बिलीव इट। हाँ, रिव्यू करने के लोग, प्रोडक्ट के रिव्यू लिखने के लोग पैसा लेते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि ये वेबसाइट है, देखो सिंपली ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in। ये ऑडियो ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो, ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है। सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो, लिख लो काम आएगा। समझ में आ गया। मैं आपको YouTube के अलावा, YouTube पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो, आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो, जैसे कि कैरी मिनाटी बनाता है, फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप गेम को खेल के दिखा दो। यूट्यूब पे कैरी मिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। लोग नया गेम लॉन्च करते हैं क्योंकि आजकल लोग वेले हैं, पैसा बहुत है, घर पे बैठे हैं तो गेम खेलेंगे, सबको पता है आज गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। आप कोई नया गेम आ रहा है उसको खेलते हुए वीडियो लाइव दिखा दो कि देखो इसको ऐसे खेला जाता है, मजे भी आ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हो। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर यही काम कर रहे हैं आजकल, गेम खेल खेल के पैसा कमा रहे हैं और सबको पता है। इसके अलावा इफ यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आप लिखने में अच्छे हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऐसे लिखने में नहीं किसी के नोट्स बना के दे रहे हो, आप व्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग में बहुत पैसा है, ठीक है, बट पैसा है इसलिए मत करना, आप अच्छे हो तो करना। क्यों, मैंने बोला बहुत पैसा है, ओ हाँ हम व्लॉगिंग करेंगे, बहुत पैसा है। जब आप अच्छे हो लिखने में, आपके पास थॉट प्रोसेस है, भावनाएं, आप किसी चीज को जानते हो। व्लॉग का मतलब समझाता हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं, देखो सिंपल तरीका देता हूं। मान लो कि आपको घर पे मैगी बनानी आती है, अब मैगी तो बहुत सिंपल काम है, और आपको बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है, वो दो मिनट वाली मैगी नहीं, बहुत अच्छी मैगी बनानी आती, और आपके पास शब्द भी है कि कैसे बनाए, तो उसको लिख दो कि देखो मैगी बनाने के लिए, मैगी वैसे तो दो मिनट में भी बनती है, लेकिन मेरी मैगी मैं दो मिनट में नहीं बनाती, मैं पांच मिनट में बनाती हूं। कैसे बनाती हूं मैं आपको आज बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं हूं पापा की परी। समझा, लिखो इंटरेस्टिंगली, और आज मैं आप पापा की परी आपको बताएगी कि परियों के जैसी मैगी कैसी बनाई जाए, सुंदर सुशील। उसके लिए मैंने मैगी ली, मैगी के अंदर प्याज डाला, प्याज के अंदर तड़का डाला, ये डाला वो डाला और तैयार हो गई। सो इंटरेस्टिंगली ब्लॉग लिखो, लिखो उसको, समझ में आ रहा है। और मैं आपको बताता हूं कैसे आप कहां डाल सकते हो, दैट इज wordpress.org, लुक एट इट, wordpress.org, वहां से ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग करेगा आप बहुत पैसा कमा सकते हो। पर आपका ना मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी चीज को, और आप ऐसा समझो ब्लॉग लिखने के लिए मेरे को बहुत ही जावेद अख्तर होना पड़ेगा, है जावेद अख्तर, तुम आए हमारी जिंदगी में, बाहरें आ गई, इसे जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए तुम्हारे काम को दिखाने के लिए, दैट्स इट। wordpress.org में ब्लॉगिंग कर सकते हो। और क्या तरीका है, If you are good at art, अगर आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब ये ऐसी भी आर्ट बहुत चलती है, ऐसे आर्ट में बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो, अच्छी अच्छी पेंटिंग करते हो। मैंने देखा है एक, वो जो हमारे क्लास में एक लड़की आती, क्या नाम है उसका, वो दांत निकालती रहती, भूल गया मैं नाम, वो सौंदर्य जिया, शी इज गुड पेंटर। तो वो अब वो उसने अपना इंस्टाग्राम पे पेज खोल रखा है अच्छी अच्छी पेंटिंग का, ठीक है, लेकिन आप अपने पेंटिंग्स को बेच भी सकते हो। देर इज अ आर्ट वर्क, कैसे कर सकते हो, देर इज अ वेबसाइट www.mojato.com/sellers, mojato.com/sellers, ये वेबसाइट है जहां पर जाकर अपना आर्ट वर्क भी बेच सकते हो। तो लिख लो काम आएगा, मतलब आपने कुछ पेंट किया है, आर्ट किया है, आप वहां पे सेल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं यार, क्या ही बताऊं, ठीक है। और ये सारी गौतम बता रहा है आपको, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ यू आर गुड एट टीचिंग, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, तो वेदांतु है, वेदांतु के जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है वेदांतु के अलावा बहुत सारे कितने सब, आपको अगर आप पढ़ाना आता है, आपको टैलेंट है, छोटी छोटी क्लासों को भी पढ़ा सकते हो। आपको कहोगे मैं 12वीं क्लास में किसको पढ़ाऊं, अरे भाई मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था। अब 12वीं क्लास में हो तो आप 6वीं 7वीं 8वीं को तो पढ़ा ही सकते हो, ट्यूशन तो घर पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हो ना ट्यूशन छोटे छोटे बच्चों को। तो अगर मान लो कोरोना के चक्कर में नहीं आ रहे, तो ऑनलाइन भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे। वेबसाइट कौन सी है, ये लो
ये कौन सी है, एंडोक्शन, उसके बाद है टीचरॉन, उसके बाद है फ्लिप क्लास, वेदांतों भी है लेकिन वेदांतों में हायरिंग का तरीका अलग है और बहुत सारे हायर करना, हायरिंग का तरीका अलग, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप पढ़ा सकते हो, उससे भी पैसा अच्छा खासा अर्न होता है क्योंकि उनको तो टीचर चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसा तरीका है बट वेदांतों में तो, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है हमारा टीचर को सेलेक्ट करने का और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 11वीं 12वीं में हो तो आपके पास ये वेबसाइट है जहाँ पे आप पढ़ा के पैसा कमा सकते हो, समझ में आ रहा है, पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। और क्या है, सेवेंथ, इफ यू आर गुड एट कोडिंग, भाई साहब कोडिंग की तो इतनी डिमांड है पूछो ही मत, आप कोडिंग में अच्छे हो तो वेब पेज बना सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, गूगल सर्च में बहुत सारी चीजें, SEO, SMO, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काम कर सकते हो। तो आप क्या, आप अगर आप बहुत अच्छे हो कोडिंग के अंदर, बहुत सारे बच्चों को कोडिंग आती है, नहीं आती सीख लो, बहुत काम आएगी। आजकल तो आपको पता है कि मतलब गूगल जैसी कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज छोटी छोटी क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, है ना, व्हाइट हैट और बहुत सारी चीजें चल गई हैं आज। तो वेदांतु भी कोडिंग सिखा रहा है, छठी क्लास में आप कोडिंग सीख सकते हो, कभी सोचा था आपने छठी क्लास में कोडिंग सीखे, हम तो इंजीनियरिंग में कोडिंग सीखे, छठी क्लास के बच्चों कोडिंग आती है। तो अगर आप छठी क्लास के बच्चों कोडिंग आती है और अगर आपको कोडिंग आती है तो भैया सिखाओ ना, समझ में आ रहा है, उसी से पैसा भी कमा सकते हो, वेब पेज डिजाइन करके, ऐप डिजाइन करके। बहुत सारे वेब पेज डेवलपर है, उनसे कॉन्टेक्ट करो कि मेरे को आती है, वो आपको काम देगा, बदले में पैसा देगा। आ गया समझ में। आठवां, इफ यू आर गुड एट डेटा एंट्री, मतलब डेटा एंट्री समझो, अगर आप डेटा एंट्री में अच्छे हो, मतलब डेटा एंट्री मतलब समझो, कंपनी के पास डेटा आता है वो आपको एंटर करना होता है, समझ में आ गया, मतलब मुझे जितना पता है, एंटरिंग गिवन डेटा इनटू सॉफ्टवेयर, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसमें आपको सिर्फ वो डेटा एंटर करना होता है, जो भी चीज़ आपको दी जाए, तो डेटा एंट्री के भी आपको पैसा मिलता है क्योंकि वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर उसको अच्छे से डालना हो उसको डेटा को, जैसे कि उसके लिए वेबसाइट कौन सी है, नौकरी, इंडीड, फ्रीलांसर, ये सारी वेबसाइट है, डेटा एंट्री के काम में आपको पैसा मिलता है, समझ में आ गया, टाइपिंग करके डेटा एंटर करना होता है पूरे दिन में, तो उसके आपको पैसा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, ठीक है। सो हम ये सब कब करना चाहिए, अभी सवाल है कि हमें ये सब कब करना चाहिए, हमें ये सब कब करना है, ये सारे काम जो यूट्यूब पे और जितनी जितनी चीज़ें बताई, सिर्फ जब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म कर लो, जब आप पूरे दिन का टास्क खत्म कर चुके हो, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन खत्म कर चुके हो, तब आप अपने जो एक्स्ट्रा एक दो घंटे बच रहे हैं उसमें आप ये एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, करना चाहिए, बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया। बट याद रखना कि स्टडी सबसे पहले है, पहले अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद सब बाद में है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको बताया तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी मत नहीं कर लो, प्लीज आप इन सब चीजों में नहीं, पढ़ाई मतलब दिन में मान लो आपने सोचा था कि मैं 100 केमिस्ट्री के, 100 फिजिक्स के और 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा, तो ये जब कर लिया फिर आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं, तो चलो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, कमाने के तरीके बहुत सारे बता दिए, और छोटी छोटी वीडियो बना के, माइक्रो वीडियोस बना के कमा सकते हो। एक लड़का है मेरा ही स्टूडेंट रहा हुआ है, वो आजकल बहुत अच्छा कमा रहा है, उसने लास्ट मंथ की उसकी इनकम है 4 लाख रुपए 1 महीने की, बाय द वे। अब डरो मत, हमने जाओ पहली वीडियो बनाओ, अपनी खुद की फर्स्ट वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, फ्री में ही होते हैं, कौन यूट्यूब के चैनल के कौन से पैसे लगते हैं, यूट्यूब आपसे पैसा नहीं लेता, इंस्टाग्राम पैसा नहीं लेता, अकाउंट में जाओ अपनी वीडियो डालना शुरू करो। भाई आप मान लो 100 वीडियो में गंदे दिख रहे हो, 100 वीडियो करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, 101वीं में तो अच्छे दिखोगे, मैं कौन सा अच्छा दिखता था, मेरी शुरू की वीडियो देख लोगे तो करो अच्छी इतनी गंदी वीडियो, लेकिन इंप्रूव करते करते आज मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट छोटी वीडियो माइक्रो वीडियोज 800 से ज्यादा वीडियोज बना चुका हूँ, 800 वीडियो। तो जब शुरू के 5-7-10 वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, फिर मैंने इंप्रूवमेंट की, करता 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 आज यहाँ पर पहुंच गया, मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं, कल एक बच्चे ने बताया ट्रेंडिंग में, हाँ मैं ट्रेंडिंग में था कल। सो फाइनली मैं आप सबको क्या कहता हूँ, कीप दिस इन माइंड, मनी शुड नॉट शेप योर करेक्टर, मनी ठीक है आपके करेक्टर को शेप नहीं करना चाहिए, इट शुड जस्ट यूज एज अ टूल टू सर्वाइव, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि बस पैसों के पीछे पागल हो जाओ, लेकिन इतना तो कमाना सीख ही लो, है ना, वो कहते ना इतना तो कर्म करना स्वामी के प्राण तन से निकले, तो मैं तुमसे कहता हूं कि भैया इतना पैसा कमाना सीख लो कि तुम सरवाइव कर सको, समझ में आ गया। सरवाइव का मतलब क्या है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पैसा कमाना जानते हो, घर पे 2 पैसे ला सको, समझ में आ गया, ये आपको आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, जस्ट गो विद दैट, काहे टेंशन लेते हो, समझ में आ गया सब लोगों को, इज दिस क्लियर। और कई लोगों को ये भी समस्या रहती है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, देखो समस्या हर किसी के पास है, खुद पैसा कमाओ, खुद ही के पैसे से अच्छा मोबाइल लो। और हम भी शुरू में हमारे पास बहुत अच्छे गैजेट नहीं थे, बाय द वे
कोई अमीर खानदान से नहीं है हम, ये जितना भी आज तुम देख रहे हो मैंने खुद के पैसे से कमाया। धीरे धीरे लोग पैसा कमाते गए, अच्छा खरीदते गए, इन्वेस्ट करते गए। आज देख लो मेरे मेरे घर पे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का मैंने सेटअप लगा रखा। 10 लाख रुपए कहाँ से आया? मैं घर से नहीं मांगा, बता देता हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ, कोई तो घर से नहीं मांगा, मैंने खुद ने कमाया, खुद ही से लगवाया, जो भी किया है जो खुद से किया है। समझ में आ गया? और बहुत सारी चीजें घर पे गैजेट की लाइन लगी हुई है, जो चाहिए आज मैं मंगा सकता हूँ, खुद से किया है, घर से मांगा नहीं है। तो वो कैसे किया? कमाता गया, करता गया, कमाता गया, करता गया, कमाता गया, करता गया। हर कोई ऐसे ही करता है, जस्ट गो एंड अर्न। समझ में आ गया सब लोगों को? फाइनली जाते हैं, आपसे कहूंगा कि आप ये भी एक्सपीरियंस करके देखो कि नीट में टीचर पढ़ाता कैसे है, कल को आप भी पढ़ाना लगे तो टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। 8,000 रुपए का पूरा क्रैश कोर्स है, और ये ANET इज अ कूपन कोड जिसके थ्रू आप लोग ये अपने नीट के क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यू हैव टू डू दैट बच्चों, यू हैव टू डू दैट, है ना। और इसके लिए मैं आप लोगों को, ओ माय गॉड, 6,246 वॉचिंग राइट नाउ, ओ माय गॉड, लाइक नहीं किया तुम लोग, गलत बात। एक बात बताओ, एक बात बताओ ईमानदारी से, सच बोलना, किस किस ने लाइक कर दिया? आज तो लाइक करना बनता है यार, 6,000 वॉचिंग है राइट नाउ, 6,000 वॉचिंग है। और देखो लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है, जस्ट डू लाइक द सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से एक एक बच्चा कमाए। जिसका दिल बड़ा होता है वो लाइक करता है और वो सोचता है कि यस मुझे करना है। एंड यू हैव 10,000 लाइक हो चुके हैं, मुझे चाहिए यहां पर हर एक बच्चा लाइक करना चाहिए आज। 11,000 लाइक मुझे अभी के अभी दिखने चाहिए, एंड यू हैव टू डू दैट। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं बताता हूँ मैं आपको मैंने कब से कमाना शुरू किया, मैं आपको ही बता देता हूँ, मेरी जर्नी सुन लो। मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पेरेंट्स के साथ में बचपन में ही मेरे फादर ने मुझे शॉप पे लगाया था, और उसकी वजह से मुझे समझ में आ गया था कि सेलिंग कैसे करते हैं, और मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। मेरे फादर अगर मुझे शॉप पे नहीं लेके जाते तो मुझे सब चीज़ें नहीं आती, तो बचपन में मैं जानता था कि बेचा कैसे जाता है। फिर धीरे धीरे करके मैं जब स्कूल में था तब तो मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस था, तो मैं सिर्फ पापा की शॉप पे ही जाता था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया जयपुर, तो उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ, बाय द वे मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं फिजिक्स पढ़ाता था, पर्सनल ट्यूशन लेता था, और उसके मैं पैसे लेता था, पर्सनल ट्यूशन के पैसे लेता था, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ाता था धीरे धीरे करके, और फिर मैंने उसको केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो मैं कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिया करता था, उसके मैं पैसे लेता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे ही कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तो मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मशीन्स हो गए EMI बहुत अच्छी लगती, तो मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला। मेरी जॉब लग गई थी, मैं ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला, और उसमें मशीन्स और EMI पढ़ाता था। आई एम गुड एट, मतलब मैं पढ़ाता अच्छा था, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये दो सब्जेक्ट पकड़े और वहाँ से मैंने अर्न करना शुरू किया। जस्ट डू लाइक द सेशन राइट नाउ, मैं आपसे कहूँगा, दिल जिसका बड़ा होता है लाइक वही करता है। और फिर मैंने वहाँ से पढ़ाने की जर्नी शुरू हुई, मशीन्स और EMI पढ़ाता था, अच्छा खासा पैसे मैंने अर्न किया, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। फिर मैंने अपनी स्टोरी जो स्टॉक में बताया भी है कि उसके बाद फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री किस तरह से फ्लिप हुआ, नहीं देखी तो जो स्टॉक में जाके जरूर देख लेना। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मैं कमाता बचपन से ही कमाना सीख लिया था मैंने, ठीक है, हाउ टू अर्न। और फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आया, ऑनलाइन से फिर मैंने कमाना सीखा, और आज मैं अलग अलग तरीके देखता हूँ कि कमाया कैसे जा सकता है। सो राइट नाउ आई एम एन इन्वेस्टर, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, आई एम एन इन्वेस्टर एज वेल। इसके अलावा हर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है मेरा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है मेरा, यूट्यूब में चैनल्स हैं, शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी जगह पे कमाता हूँ, और फ्यूचरिस्टिक वे से बहुत सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग यू नो पॉलिसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे मुझे पैसा आता है। तो दिस इज़ हाउ आई एम अर्निंग राइट नाउ, ठीक है। तो आप जितने 11,000 लाइक हो चुके हैं, अमेजिंग यार, तुम लोग बिल्कुल दिल के बहुत पक्के हो। सो थैंक यू सो मच, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मेरा अगला सेशन भी है ए टू मोटिवेशन पे, जहां पर मैं आप लोगों को आज डिस्कशन करने वाला हूं। सो आज बहुत मजा आया मुझे सेशन लेके, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। आप लोग लाइक जरूर करना, इसको शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा, और एक लड़का और लड़की कोई फर्क नहीं है, और लड़कियों को कहूंगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ो आगे। समझ में आ गया? डरने की जरूरत नहीं, डराते उनको बोलो कि भैया बहुत हो गया डर, मैं डर से लड़ूंगी, मैं डर के आगे देखूंगी, मैं डर से जीतूंगी। समझ में आ गया? तो भाई घर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं, मम्मी भी कह देती है सिक्योरिटी, पापा कह देती है सिक्योरिटी, आपको कि टेंशन नहीं है, घर पे बैठ के कमा रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ में आता है? बट ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके, ऑथेंटिकेशन पूरी अच्छे से रखना, जो ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हीं पे ही ट्राई करना, प्लीज आप ऐसे ही मत चले जाना कहीं। समझ में आता है? तो बी केयरफुल अबाउट दैट, कमाना है लेकिन उसमें झटके भी बहुत लगते हैं, तो बी केयरफुल। जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सिक्योर है, सब अच्छा है, तभी, अदरवाइज ऐसे मत फंस जाना किसी भी चीज के अंदर, मेरी तरफ से ये भी राय है आपको।
चलो मजा आ गया आज सेशन लेने में, बहुत 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 मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ए नीट इज अ कूपन कोड, ज्वाइन करो मजा आ जाएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भाई, ए नीट कूपन कोड है, टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करो, 2000 रुपए की पूरी टेस्ट सीरीज है भाई, आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी है ना। एंड टेस्ट सीरीज में आपके डाउट वगैरह सब सोल्व होंगे, एवरीथिंग इज देयर, टीचर इंटरेक्शन है वहाँ पे, बताया जाएगा आपको कैसे सोल्व होता है, क्या होता है, क्यों होता है। और आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, देखो ऐप हमारी भी एक बहुत ही वंडरफुल ऐप है, जाके देखो उसको वो कैसी है, मजा आ जाएगा। एंड फाइनली नीट के हमारे रिजल्ट है, इन बच्चों ने बहुत अच्छा नाम कमाया, अगर आप चाहते हो तो नीट के हमारे क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। एंड फाइनली हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिलती है। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन बहुत मजा आया, लेकिन आप लोग लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चे बूस्टअप हो और आगे जाएं और कमाएं। समझ में आ गया, क्योंकि क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना, और अच्छी बातें बताने वालों का साथ भी देना है, जो हमेशा पॉजिटिव रहे और लाइफ में कहें कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो A2 सर हमेशा आपके साथ है, याद रखोगे। अब मैं A2 मोटिवेशन पे आऊंगा और वहां पर मुझे लाइव सेशन लेना है, वहां पर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद, साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट।